YouTube देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया। आज एक नए वीडियो के साथ हम सभी उपस्थित हैं आप सभी की अदालत के अंदर। क्या होता है शुद्ध, क्या होता है अशुद्ध? वास्तव में ओसीडी रोग में या कई अन्य मानसिक रोगों में शुद्ध और अशुद्ध का बड़ा चक्कर पड़ता है। इंसान पहले में उलझ जाता है कि क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या है शुद्ध और अशुद्ध का चक्कर और क्या है शुद्ध और अशुद्ध का सच। आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। हमारे मिशन में हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी जिन्होंने ओसीडी को बाय बाय कहने के बाद मिशन में अपना सहयोग दे रही हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या है शुद्ध अशुद्ध का सच। जी, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जी, शुद्ध अशुद्ध ये दो ऐसे शब्द है जिनके बीच में इंसान फंस कर रह गया है, खास करके ओसीडी का पेशेंट। जी, वह हमेशा सोचता रहता है कि मैं अशुद्ध हूँ, नहा लूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। जी हाँ, इन शब्दों के पीछे एक हिस्ट्री है। जी, सबसे पहले सन 1683 में एंटोनी वोन ल्यूहोन नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर एक सर्च किया। जी हाँ, सूक्ष्म जीव होते था बैक्टीरिया के ऊपर उसने खोज की। जी, उसने सूक्ष्म दर्शी यंत्र से इन बैक्टीरिया को देखा और बोला कि बीमारी का कारण ये बैक्टीरिया होते हैं। जी, उनका कहना भी ठीक था क्योंकि बहुत सारी बीमारियां बैक्टीरिया से होती है। जी, फिर लोगों ने उस पदार्थ को ही अशुद्ध बता दिया जिसमें बैक्टीरिया होते हैं। जी, लेकिन बाद में बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारे सर्च हुए, बैक्टीरिया की बहुत सारी खोज हुई। जी, टेक्नोलॉजी का जमाना आया, साइंटिस्टों ने देखा कि बैक्टीरिया हर जगह है, हमारे पूरे शरीर में बैक्टीरिया है, ये हमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाते हैं। जी, ये हार्मोन बनाते हैं, हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जी, पूरी सृष्टि का जीवन चक्र बैक्टीरिया से ही चलता है। जी, फसलों के उगने से लेकर पकने तक बैक्टीरिया का बहुत ही योगदान होता है। जी, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है ताकि पौधा अपना भोजन अच्छी तरह से ग्रहण कर सके, क्योंकि वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को जी ग्रहण नहीं कर सकता, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जी 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 प्रकृति में 99% बैक्टीरिया जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, सिर्फ 1% बैक्टीरिया ही होता है पैथोजन यानी रोगाणु। सिर्फ वही बैक्टीरिया ही हमें हानि पहुंचाते हैं, वही बैक्टीरिया ही बीमारी का कारण बनते हैं। जी, फिर बैक्टीरिया के दो नाम दे दिए, अच्छे और बुरे बैक्टीरिया यानी गुड और बैड बैक्टीरिया। जी जी अगर इनकी संरचना देखी जाए तो मिलती जुलती होती है, लेकिन जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर सख्त त्वचा होती है जिसे कैप्सूल या संपुट बोला जाता है, जो पॉलीसेक्राइड की बनी होती है यानी कि ग्लूकोज का एक पार्ट होता है। जी जी कैप्सूल में थोड़ा टॉक्सिन अर्थात जहर बनता है। जी, जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस जाते हैं वहां ये रिप्रोडक्शन करते हैं, इनका शरीर विभाजित हो जाता है, ये 1 से 2, 2 से 4 यानी कि लाखों की संख्या में बन जाते हैं जो हमारी कोशिका को अंदर से खाने लगते हैं और थोड़ा जहर छोड़ते चले जाते हैं जिससे हमारा शरीर बीमार हो जाता है। जी जी लेकिन प्रकृति में इनके बहुत फायदे होते हैं, मरे हुए जानवर गले सड़े पदार्थों को ये डिकोम्पोज अर्थात खत्म कर देते हैं जो बाद में मिट्टी में मिल जाते हैं, खाद बन जाते हैं। जी जी लाइफ साइकिल को बरकरार ये बैक्टीरिया ही तो रखते हैं, वरना अगर हम जिस जगह पर खड़े हैं जहां पर बैठे हैं वहां पर बैठ भी नहीं पाते, क्योंकि अगर जितने इंसान इस दुनिया में आए वो गलते सड़ते नहीं तो उनकी एक के ऊपर एक लाशें रखें तो 13 लाशें हर पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी पर आज रखी होती। ये बैक्टीरिया ही है जो हमें रहने लायक स्थान बनाते हैं। जी, हमारे स्टूल में भी 3 या 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जैसे साल्मोनेला, ईकोलाई, कैंपाइलोबैक्टर, सिनेला। ये बैक्टीरिया स्टूल के अलावा भी हर जगह पाए जाते हैं, पानी में, मिट्टी में, हवा में। जी जी किचन में भी ईकोलाई व साल्मोनेला बहुत मात्रा में पाया जाता है क्योंकि वहाँ सिंक जहाँ बर्तन साफ करते हैं इसमें अगर थोड़ा भोजन रह जाता है तो वहां पर आसानी से बैक्टीरिया पनप जाते क्योंकि वहां पर नमी होती है। जी 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 हाँ, यह पुरानी सोच है कि सभी बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हमारे शरीर में लगभग 2 किलो बैक्टीरिया होते हैं जो हमें फायदा पहुंचाते हैं। जी 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 2 किलो बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं, तो ओसीडी वालों को यह संदेश हमेशा याद रखना चाहिए कि शुद्ध अशुद्ध के चक्कर से निकल करके वो बस जीवन का आनंद लें। आज आप ओसीडी वालों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं कहूंगी, बैक्टीरिया हमारे बिना जी सकते हैं लेकिन हम बैक्टीरिया के बिना जी नहीं सकते।
जिस तरह एक जूस का गिलास होता है, गन्ने का जूस का गिलास होता है, अगर डायबिटीज यानी शुगर का पेशेंट उस गिलास पी लेता है जूस को, तो वो उसके लिए हानिकारक होता है। लेकिन अगर लीवर का पेशेंट उसी गिलास को पी लेता है, जूस को पी लेता है, तो वो उसके लिए अमृत के समान होता है। इसी तरह से व्यक्ति क्या होते हैं जी, इनके बहुत फायदे होते हैं। बस इन बस अपना नॉर्मल हाथ धोए, नॉर्मल सफाई रखें ताकि बीमारी न हो। लेकिन ये बैक्टीरिया प्रकृति में बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं। शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता, जो लिए फायदेमंद है वही शुद्ध है, जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं वही अशुद्ध है। जी जी, जो हमारे लिए फायदेमंद है वही शुद्ध है, और जो हमें नुकसान पहुंचाए वही अशुद्ध है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। बैक्टीरिया हमारे बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम बैक्टीरिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो आपने आज ओशड़ी वालों के लिए वास्तव में बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर।